आप सारिम के घर गई थी? हाँ, अच्छा किया जो मैं चली गई, बहुत सारी उलझनें सुलझ गई हैं। एटलीस्ट मुझे तो बता देती हैं आप, ताकि तुम मुझसे भी झूठ बोल के मुझे वहां जाने से रोक देती। मैं ऐसा कभी ना करती। टीना मेरी समझ से बाहर, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इतना यकीन तो है ना आपको कि आपकी बेटी कुछ गलत नहीं करेगी? और हमारे यकीन के बावजूद तुम मुसलसल गलत कर रही हो। तुमने सारिम के मामा को बताया कि तुम्हारे पापा घर पे नहीं है, और हमें ये झूठ बोला कि सादान नहीं है यहाँ पे। बस समन और फारिस का रिश्ता बचाने से बेहतर है कि मैं अपना और सारिम का ताल्लुक बचा लूं। बेटा वो लड़का तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। हाँ प्लीज, अब फिर मत शुरू हो जाए आप। देखो बेटा मेरी बात सुन, जब सारिम की फैमिली को ये बातें पता चलेंगी क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? वो समझा लेगा उन्हें। सारिम नहीं समझाएगा, जहाँ पर रिश्ते जुड़ते हैं वहाँ पर ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। वो ये सब कुछ मेरे लिए तो कर रहा है। अच्छा जरा मुझे बताओ तुम्हारा ये झूठ तुम्हें क्या फायदा देगा? वो चाहता है कि उस घर पे सिर्फ मेरी हुकूमत हो। अलिश्मा ने तो वैसे ही आजकल में वहां से चले जा रहा है। खुदा ना करे कैसा हो, तुम्हें अंदाजा भी है कि समन इस वक्त किस कैफियत से गुजर रही है? देखो बेटा अगर अलिश्मा ने सादान को छोड़ दिया तो फारिस भी समन को नहीं रखेगा। तुम क्यों नहीं समझती ये बात? समन और फारिस उस घर में अजनबी बनकर रह रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि उनके दरमियान ये फासले कम हो, और तुम हो कि इन फासलों को बढ़ाने पर तुली हुई हो।